में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ी लाइट गड़बड़ हो गई है। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 12 की, डॉक्टर मनोहर रे हर्षुल शर्मा एनसीईआरटी पटना की है। अध्याय आपको पढ़ा रहे हैं हम आपको, अध्याय आपके पास है 7, समाकलन, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, और आप लोगों के पास प्रश्नावली है 7F। 7F में पार्ट नंबर आपके पास 3 है। 3 में से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक बता देंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक अपलोड है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से इसकी लिंक देख सकते हैं। और साथ ही साथ आज बताएंगे पार्ट नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों के ABCD 4 क्वेश्चन दिए, चारों क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, उसको स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा है 1 प्लस कॉट x, तो लिख लेंगे माना 1 प्लस कॉट x बराबर टी। 1 प्लस कॉट x बराबर टी आ गया है। अब कॉट x का हमारा समाकलन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा हमारे पास dt, और जो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर x dx बराबर माइनस का dt, हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे मान रख लेंगे, जो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटी 1 प्लस कॉट x, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का dt बटी हो जाएगा t। तो अब देखिए हमारे पास इसके बाद इसका अलग अलग कर लेंगे, तो हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो इंटीग्रेशन dt बाई हो जाएगा t, हो जाएगा माइनस log t प्लस c, ये हो जाएगा log t, और t का मान रख देंगे यहाँ पे 1 प्लस का cot x। देखिए बहुत आसान सवाल है, 1 प्लस cot x प्लस c हमारे पास आंसर आ गया। आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से आप लोगों के लिए क्वेश्चन लगा दिए गए, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, फिर आगे बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर सी का बी नंबर पार्ट, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो इसको रेस कर देते हैं, फिर आगे लगाते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। गर्मी बहुत है इस समय, नोट कर चुके होंगे। बी नंबर सवाल आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं अभी लिखूंगा यहाँ पे नीचे, तो आप लोगों को वहाँ पे दिख जाएगा। यहीं पे आप लोग फोकस बस सेंटर पे यहीं पे आ जाता है, बस वही थोड़ी सी गलत बड़बड़ है, उसको भी रेवोल्यूशन फिर से सही हो जाएगा बहुत कुछ समय बाद। अजय लिखा है साइन एक्स बटी 1 प्लस का cos x। देखिए कॉस एक्स साइन एक्स मानेंगे तो इस पर हम अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम 1 प्लस cos x बराबर t मान लेंगे तो हमें साइन एक्स मिल जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस cos x बराबर t, मान लेंगे तो x की सापेक्ष क्या कर लेंगे हम, अवकलन कर लेंगे x की सापेक्ष, अवकलन करने पर जब x की सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो हमारे पास अवकलन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0। cos x का जो हमारा अवकलन होता है वो क्या होता है हमारे पास साइन का होता है, cos का होता है माइनस, माइनस का हमारे पास साइन x, साइन x dx हमारे पास जो होता है क्या dt, हमारे पास आ जाएगा साइन x dx बराबर माइनस का dt हो जाएगा। अब इसके आगे हमारे पास ये हो जाएगा, इसी वैल्यू रख लेंगे, जो हो जाएगा साइन x dx बटी 1 प्लस cos x, फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का dt बटी t, फिर माइनस का मान ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 upon t dt माइनस, तो ये हो जाएगा log t प्लस c, हो जाएगा माइनस log टी का मान रख देंगे 1 प्लस cos x, तो जो हो जाएगा 1 प्लस cos x प्लस c, हमारे पास हो जाएगा आंसर। आपके पास देख सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में आपको क्वेश्चन बता दिया गया है। ठीक है, तो जो हो गया आपके पास बी नंबर, अब बताएंगे आपको सी नंबर क्वेश्चन, देखिएगा वो भी बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखिए जस्ट जैसा जो बी नंबर ये सवाल लिखा हुआ है, सेम टू सेम डी नंबर सवाल आपके पास लिखा हुआ है, बस यहाँ स्क्वायर है तो आप लोगों को बस स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ टी ऊपर चला जाएगा, टी पावर हमारे पास माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन करते हैं 1/t ही बचेगा, बस ये आंसर सेम आएगा, बस माइनस का 1 upon log 1 plus cos x हमारा आंसर आएगा। इतना सेवल आप लोगों को ध्यान रखना है, माइनस का हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस टी का हमारा प्लस कर देगा आके। अभी बताते हैं आप लोगों को, बस थोड़ा सा सिमिलर है, आप लोग बस थोड़ा सा देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। पहले आप सी नंबर बता देते हैं आपको, सी नंबर लिखा हुआ है आपके पास 7 का सी,
इंटीग्रेशन आप साइन रूट एक्स बटे रूट एक्स डी एक्स। अब देखेंगे आप यहाँ पे, आप हमें पे क्या रूट एक्स बराबर अगर मान लेंगे हम टी, ठीक है, तो रूट एक्स का तो ये हो जाएगा समाकलन क्या होता है वन अपन अवकलन होता है टू रूट एक्स डी एक्स बराबर जाएगा डी टी। हमें जे अटे में लिखा हुआ दो नहीं चाहिए, दो का इधर गुणा कर देंगे तो यह जाएगा डी एक्स बटे रूट एक्स बराबर टू डी टी, ये हो जाएगा हमारे पास टू डी टी। अब मान रख देंगे यहाँ पे तो यह जाएगा साइन रूट एक्स डी एक्स बटे रूट एक्स, तो यह जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी हो जाएगा टू डी टी, तो दो कॉमन ले लेंगे तो यह जाएगा हमारे पास साइन टी डी टी। साइन एक्स का समाकलन हमारे पास होता है क्या माइनस का कॉस टी प्लस सी, तो ये हो जाएंगे माइनस का दो कॉस टी का मान रख देंगे क्या हमने माना था रूट एक्स माना था, तो यहाँ पे रूट एक्स रख लेंगे और प्लस सी आपके पास आंसर आ गया। देख लीजिए सी नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब बताते हैं आपको डी नंबर, फिर बताएंगे 8, 9, 10 आपके पास फिर सिमिलर टू सेक्शन बाई सेक्शन चलना स्टार्ट हो जाएंगे। नोट कीजिए जल्दी से, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 नहीं मतलब अभी डी नंबर पार्ट बताना है, तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। ये लिखा है यहाँ पे लिखेंगे माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास टी, इसके बाद एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 का हो जाएगा 0, जो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। अब मान रख लेंगे जो हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स पट्टी 1 प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर जो हो जाएगा डी एक्स, तो ये बचेंगे माइनस का डी टी बटी हो जाएगा टी स्क्वायर, हो गया। आप लोग इसकी आगे करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉमन ले लेंगे तो जाएगा वन टी स्क्वायर टी माइनस वन हो जाएगा डी टी, तो ये हो जाएंगे माइनस टी पावर माइनस के एक बटे माइनस एक प्लस सी, माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस, हो जाएगा वन अपान टी प्लस सी हो जाएगा वन अपान टी का मान हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर डी, देख लीजिए बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है, ओके। फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8, तो जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर डी आपका कंप्लीट हो गया। अब बता रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8, नोट कर चुके होंगे आप लोग। आठ में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपन डी एक्स बटे ई टू पावर एक्स प्लस वन लिखा है। अब देखिए इसमें से हम अगर मान लेंगे तो हम ई टू पावर एक्स का कहाँ रखेंगे, ई टू पावर एक्स का अवकलन समाकलन सेम ही रहता है, ऊपर ई टू पावर एक्स है नहीं। अब एक काम करेंगे हम यहाँ पे ई टू पावर एक्स हम क्या कॉमन ले लेंगे तो वन अपान ई टू पावर एक्स, इस पर कॉमन लेते हैं यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा वन अपान ई टू पावर एक्स, तो ये हो जाएगा डी एक्स। जो ऊपर ले जाएँ तो क्या रहेगा ई टू पावर माइनस एक्स, ये वन प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे ई टू पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा अब हम इससे कॉमन ले मतलब मान सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माना वन प्लस ई टू पावर माइनस एक्स बराबर टी, इसका हो जाएगा ई टू पावर एक्स का तो एक्स ही रहता है माइनस एक्स करेंगे तो आ जाएगा माइनस का वन बराबर हो जाएगा ये डी टी अपान डी एक्स। अब थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे तो आ जाएगा ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, हो गया। अब जी हमारे पास आ गया, अब इसके आगे यहाँ पे मान रख लेंगे तो आ जाएगा ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, हमें इसका समाकलन करना है तो ये हो जाएगा वन प्लस ई टू पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का डी टी बटे, और ये हो जाएगा हमारे पास टी, माइनस का मान ले लेंगे तो वन अपान टी, और ये हो जाएगा डी टी माइनस लॉग टी प्लस सी, हो गया। अब इसके आगे आ जाएगा हमारे पास माइनस लॉग, अब टी का मान रख लेंगे क्या माना था हमने वन प्लस ई टू पावर
एक्स वन प्लस ई टू पावर माइनस एक्स और ये हो जाएंगे प्लस की सी, हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कंप्लीट हो गया। अब बताएं क्वेश्चन नंबर 9, तो जल्दी से क्विक फास्ट इसको नोट कीजिए, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी नोट कीजिए। नोट कर चुके होंगे आप लोग। अब क्वेश्चन बताएंगे आपको, 9 नंबर आपके पास लिखा हुआ है जी। नए नंबर में लिखा है हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, कॉस एक्स बटी अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ लिख लेंगे माना 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स का आकलन होता है हमारे पास कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इंटीग्रेशन कॉस एक्स बटी अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया, अब यहाँ पे हम मान रख देंगे, जा जाएगा डी टी बटी हो जाएगा रूट टी, रूट टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या जाएगा टी पावर माइनस 1/2 और ये हो जाएगा डी टी। एक्स की पावर एन का समाकलन टी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटे माइनस 1/2 प्लस 1 एन प्लस 1 होता है। अब इसको हल कर लेंगे, ले जाएंगे टी की पावर 2 एकम 2, 2 में से 1 कम कर देंगे 1/2 बचेगा, आप लोग भी जानते हैं 1/2 नीचे ही बच जाएगा, बटे बेटा ऊपर पहुँच जाएगा जो हो जाएगा 2 की पावर टी की पावर 1/2 प्लस सी, तो ये जाएंगे 2 रूट टी प्लस सी, ये जाएंगे 2 रूट टी का मान रख देंगे हम 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी आंसर। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9। नाइन हो गया, आप बताते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 10, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, फिर 10 नंबर आपको सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए 10 नंबर सवाल लिखा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec स्क्वायर एक्स रूट 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और ये dx, ये सवाल लिखा है आपके पास, ठीक है। अब इसके जो सवाल आपको दिख रहा है, एक सेकंड रुक जाइएगा क्योंकि यहाँ पे बफरिंग करती है, मतलब लाइट आ रही है। ये यहाँ पे सवाल आप यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा आपको दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec स्क्वायर एक्स रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है सवाल। अब यहाँ पे लिख लेंगे माना, मानेंगे हम यहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा, मार्कर में इंक थोड़ी समाप्त हो गई है। अब लिखेंगे माना 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर टी, 1 का हो जाएगा 0, जो 10x की मतलब x की पावर n मतलब का हो जाएगा माइनस का 2 10x, और 10x का फिर से आकलन होता है हमारे पास sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। यहाँ पर लिख सकते हो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स एक तरफ कर देंगे और ये माइनस डी टी बाई 2 एक तरफ। अब मान रख देंगे तो ये जाएगा 10x sec स्क्वायर एक्स रूट 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये दिया था, बहुत ही सिंपल है, बस मान रखते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस डी टी बाई 2 इंटू में ये हो जाएगा हमारे पास रूट टी, माइनस 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट टी डी टी।
और रूट टी का हमने आपको डायरेक्ट समाकरण भी बताया था, तो आपको हमें डायरेक्ट रख सकते हैं माइनस वन बाई टू टी पावर तीन बटे दो बटे तीन बटे दो प्लस सी, दो से दो कट जाएगा तो बचेगा माइनस का वन बाई थ्री टी पावर तीन बटे दो प्लस सी, तो जो हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री। अब टी का मान हो जाएगा हमारे पास वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स और हो जाएगा हमारे पास तीन बटे दो प्लस सी। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11। स्पीड में आप लोग थोड़ा लगाइए, फ्लो में बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताने हैं। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 जो लिखा हुआ है बहुत आसान है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पे ए बी दे रहा है, ऊपर ए बी नहीं दिया तो वन अपन हम यहाँ पे साइन ए माइनस बी से हम क्या गुणा कर लेंगे, फिर जाएंगे साइन ए माइनस बी डी एक्स बटे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू में कॉस एक्स माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे हम इसको उसको भी बना लेंगे तो यह जाएगा वन अपन साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस का ए कर लेंगे और जो जाएंगे माइनस का बी प्लस का एक्स कर लेंगे। एक चीज़ गड़बड़ हो गई, साइन ए माइनस का बी तो एक्स चाहिए तो हमें एक्स तो एक माइनस का करना पड़ेगा हमें, अरे सॉरी ये हो जाएगा ए माइनस का एक्स और ये माइनस का बी प्लस का एक्स जे करेंगे और ये हो जाएगा डी एक्स और ये बटी में आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स माइनस ए इंटू में कॉस एक्स माइनस बी। हमने एक्स को भी जोड़ घटा लिया, अब हमें थोड़ा सा कुछ बन रहा है आपके पास मार्कर गिर गया, अब इसको बना लेंगे तो ये हो जाएगा वन अपन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन ए माइनस एक्स माइनस का आ जाएगा एक्स माइनस का बी बटे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस का ए इंटू में कॉस एक्स माइनस का बी डी एक्स। अब देखेंगे वन अपन आ जाएगा साइन ए माइनस का बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे तो यह आ जाएगा साइन ए माइनस एक्स इंटू में कॉस ए माइनस का बी माइनस कॉस ए माइनस का एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस का बी, अजी हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स माइनस ए इंटू में कॉस एक्स माइनस बी और ये हो जाएंगे डी एक्स। अब देखिए अभी कुछ किए नहीं है सिर्फ बना रहे हैं, अब इसको अलग अलग भाग कर देंगे तो ये रहेगा वन अपन साइन ए माइनस बी ऐसे रहेगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा ये ब्रैकेट बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस एक्स इंटू में कॉस एक्स माइनस बी बटे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू में कॉस एक्स माइनस बी माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस ए माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस बी बटे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू में कॉस एक्स माइनस बी ये हो जाएगा डी एक्स। अब इसके बाद आगे वैल्यू निकालेंगे तो कॉस एक्स माइनस बी हमारा कट जाएगा यहाँ से और ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए ए माइनस एक्स लिखा है तो ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स, इधर पे वैल्यू आप लोग देखिएगा कॉस ए माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू थोड़ी सी ये फार्मूला हमारे हमको लग रहा है थोड़ा सा कॉस ए माइनस का बी और साइन, हाँ जी आ जाएगा हमारे पास कॉस बराबर बराबर हो जाएंगे कॉस एक्स माइनस का बी आएगा यहाँ एक्स माइनस का ए आ जाएगा तो ये हो जाएंगे हमारे पास एक्स माइनस बी और ये हो जाएंगे हमारे पास एक्स माइनस ए, तो ये वाला कट जाएगा, जो हमारे कट जाएंगे बाकी चीज़ बचेगी उसको हम वैसे ही रख लेंगे, ये हो जाएगा वन अपान साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन आ जाएगा
तो जो हो जाएगा हमारे पास साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन, हमारे पास हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, ये तो सेम टू सेम आ रहे हैं आप लोग को थोड़ा सा, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गई है, हाँ एक्स माइनस का बी और एक्स माइनस का थोड़ा सा ये इंटरचेंज कर लेते हैं, जो आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस बी ऐसे रखेंगे माइनस, अब यहाँ पे रखेंगे एक्स माइनस का ई रखेंगे, तब आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आएगा एक्स माइनस का बी और ये हो जाएंगे हमारे पास एक्स माइनस का ए, ठीक है। अब यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा एक्स माइनस का बी रहेगा कॉस एक्स माइनस का ए, अब जी हो जाएंगे हमारे पास जी वाले कट जाएंगे एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी जे कटेगा, थोड़ी 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 सी गलती हो गई यहाँ पे, गड़बड़ गड़बड़ हो गया है, कॉस बचेगा हमारे पास एक्स माइनस बी, तो जी हो जाएगा हमारे पास टेन एक्स माइनस बी डी एक्स, तो जी हो जाएगा वन अपान साइन ई माइनस का बी, और जो रहेगा टेन एक्स का समाकलन हमारे पास क्या होता है, आप लोगों को टेन एक्स का समाकलन बताया था हमने, टेन एक्स का एक तो सेक एक्स में होता है, एक माइनस का साइन एक्स में होता है, तो हम लगा लेंगे लॉग सेक एक्स माइनस ई, और जो रहेगा माइनस लॉग टेन सॉरी लॉग सेक एक्स माइनस बी प्लस सी हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा जगह कम है तो वहाँ पे मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो यहाँ पे लगा देते हैं आपको, जो जाएगा वन अपन साइन ए माइनस बी, जो जाएंगे हमारे पास लॉग सेक एक्स माइनस ए बटे सेक एक्स माइनस बी, जी हमारे पास हो गया आंसर आपके पास, ये आप लोग देख सकते हैं बहुत आसान भाषा में आपके पास। सवाल नंबर 11 और एक्सरसाइज भी आपकी ये समाप्त हो गई, आप लोग अच्छे से लिख देखे इन्जॉय किए, थोड़ी सी बाई मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी, ठीक है। और आप लोग ये क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर इसी के साथ साथ आप लोगों को एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में नए तरीके से स्टार्ट होगी, और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो को अभी भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगी, तो आप वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो कल फिर मुलाकात होगी, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।